सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आइयो अच्छे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, यह है शताब्दी नगर RRTS का स्टेशन जो कि मेरठ के अंदर पड़ता है। दोस्तों आप सभी को बता दूं दोस्तों कि देखो ये दोनों साइड के जो ट्रैक हैं ये तो है मेट्रो के लिए, और जो ये बीच वाला ट्रैक है दोस्तों ये है RRTS के लिए, यानी कि रैपिड रेल के लिए दोस्तों। और दोनों साइडों में एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाने का काम किया जा रहा है इस पर। अभी रूफ टॉप का स्ट्रक्चर लगाने का काम अभी नहीं चल रहा है इस पर, क्योंकि अभी ये स्टेशन को बनाया जा रहा है दोस्तों। तो वो आप सभी को आगे देखने के लिए मिलेगा। और दोनों साइडों से एंट्री एग्जिट पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं दोस्तों। एक साइड का तो बनकर कंप्लीट हो चुका है, सेटरिंग उसमें निकाली जा रही है, और दूसरी साइड का लेफ्ट हैंड का तो दोस्तों अभी बनाया जा रहा है। तो देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर फ्लोर वर्क किया जा रहा है। लेफ्ट हैंड का तो हो चुका है फ्लोर वर्क बीच का, और देखो राइट हैंड का अभी शटरिंग लगी हुई है, उससे फ्लोर वर्क किया गया है दोस्तों। आप सभी को बता दूं कि जो मेरठ मेट्रो दौड़ेगी दोस्तों, वो दोनों साइडों के जो ट्रैक हैं दोस्तों देख सकते हो, ये गाटर रखे हुए हैं, इन पर अभी फ्लोर वर्क किया जाएगा, और बीच वाले ट्रैक पे दोस्तों रैपिड रेल दौड़ेगी। तो यही वर्क चल रहा है अभी यहाँ पर शताब्दी नगर RRTS के स्टेशन पर दोस्तों। देख सकते हो आप लोग किस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है दोस्तों, और टीम लगी हुई है, और देखो किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है जोरों शोरों से। आप सभी को बता दो दोस्तों कि 2024 के लास्ट तक ये बन के बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, और आम जनता के लिए खोल दी जाएगी दोस्तों 25 में ये। तो इस पर आप लोगों को बता दूं कि इस पर रैपिड रेल भी दौड़ेगी दोस्तों, और मेरठ मेट्रो भी इसी पे दौड़ेगी एक ही रूट पे दोस्तों। तो उसी वजह से यहाँ पर देखो जो स्टेशन है शताब्दी नगर का, वो सबसे बड़ा स्टेशन बनाया गया, तो इसी वजह से यहाँ पर ये साइडों में गाटर लॉन्चिंग की गई है। अब इन पर फ्लोर वर्क किया जाएगा दोस्तों, फ्लोर वर्क हो जाने के बाद में दोस्तों इस पर ट्रैक बिछाया जाएगा, ट्रैक बिछाने के बाद में इस पर जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर है दोस्तों वो भी लगा दी जाएगी दोस्तों, OHE वायर वो भी लगा दी जाएगी। तो अभी जो भी वर्क बचा हुआ है दोस्तों वो मेरठ के अंदर ही बचा हुआ है, बहुत सारा काम है करने के लिए। आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिलते रहेंगे केपी संत के चैनल पर दोस्तों, क्योंकि अभी तो मैंने आप सभी को बस प्रतापपुर रिठानी और ये शताब्दी नगर RRTS के स्टेशन ही दिखा रहा हूँ। अगले अपडेट में आप लोगों को आगे के भी अपडेट देखने के लिए मिलेंगे मेरठ के अंदर दोस्तों, जो मेरठ मेट्रो बनाई जा रही है, कितनी तेज़ी के साथ में मेरठ मेट्रो पे वर्क चल रहा है दोस्तों, वो सब आप सभी को अगले वीडियोस में अपडेट में देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। और मैं ऐसे ही वीडियोस आप सभी लोगों के बीच में लाता रहता हूं, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं दोस्तों। थोड़ा सा भी ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो हमें लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो। तो यहाँ से हम ले लेते हैं दोस्तों कर्व, यानी कि रिटर्न चलते हैं, और शताब्दी नगर का ही स्टेशन आप लोग दोनों साइड से दिखा देता हूं कि किस तरीके से यहां पर जोरों शोरों से काम किया जा रहा है दोस्तों। देख सकते हैं आप कि किस तरीके से यहां पर वर्क चल रहा है दोस्तों, किस तरीके से यहां पर टीम लगी हुई है जो दिन रात दोस्तों वर्क करने पर लगी हुई है, कंप्लीट करने पर लगी हुई है जल्दी से जल्दी। और आप लोगों को बता दूँ कि ये शताब्दी नगर रिठानी और प्रतापपुर के स्टेशन पर दोस्तों पेंट का भी काम किया जा रहा है, इन पर डेंट पेंट भी किया जा रहा है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म लेवल है दोस्तों कौन कौन लेवल उस पर पेंट किया जा रहा है, और मार्बल का काम किया जा रहा है, मार्बल का पत्थर लगाया जा रहा है, तो यही काम चल रहा है। देखो शटरिंग लगी हुई है नहीं लगी हुई है, अब ये शटरिंग लग जाने के बाद में फ्लोर वर्क कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में दोस्तों इस पर किस चीज़ का काम बचेगा, इस पर फिनिशिंग का काम बचेगा, फिनिशिंग का काम हो जाने के बाद में दोस्तों फिर इस पर काम बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा, क्या इस पर ट्रैक बिछाने का, और ट्रैक बिछाने के बाद में दोस्तों स्ट्रीट लाइट के खंभे लगाए जाएंगे, और खंभे लग जाने के बाद में दोस्तों खंभे के ऊपर OHE वायर काम किया जाएगा, OHE वायर लग जाने के बाद में फिर तो आपको पता ही है क्या है। तो देख सकते हो ये मेरठ
एक्सप्रेसवे को ये क्रॉस कर रही है दोस्तों। RRTS देखो किस तरीके से यहाँ पर ट्रैक बिछाया जा रहा है, ट्रैक स्लैब को डाला जा रहा है, ऊपर देख सकते हो यही काम चल रहा है दोस्तों। दिखाते चल के आप सभी को प्रतापपुर का स्टेशन दोस्तों, तो बने रहो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए दोस्तों। यहाँ पर ये इंटरचेंज बनाया गया है मेरठ में, जो कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनाया है। तो किस तरीके से चल रहा है, तो चलते हैं और आगे दिखाते चल के आप सभी को दोस्तों। ये स्टेशन दोस्तों आ चुका है प्रतापपुर RRTS का स्टेशन। इस पर भी मेरठ मेट्रो ही रुकेगी दोस्तों, और इस पर आप सभी को बता दूं देखो पेंट भी किया जा रहा है और इस पर फ्लोर वर्क भी किया जा रहा है। फ्लोर वर्क तो कंप्लीट हो चुका है, देखो दोनों साइड के एंट्री एग्जिट पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं दोस्तों। और आप लोगों को बता दूं प्लेटफॉर्म लेवल पर इस पर रूफ टॉप का स्ट्रक्चर भी लगाया जा रहा है। देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर यह एंट्री एग्जिट पॉइंट को बनाया जा रहा है, जो कि ग्राउंड लेवल पर था जिस पर काम किया जा रहा था वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब ये आगे का काम किया जा रहा है दोस्तों। ऐसे ही वीडियोस देखो KP संत के चैनल पर दोस्तों। और वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो हमें लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों। तो चलते हैं और आगे दिखाते चल के आप सभी को रिठानी RRTS का स्टेशन। एक स्टेशन दोस्तों ये है जो इसे बोला जाता है रिठानी
आरआरटीएस का स्टेशन दोस्तों, यहाँ की यहाँ पर भी मेरठ मेट्रो ही रुका करेगी दोस्तों। और देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर पेंट किया जा रहा है, कौन कौन से लेवल पर पत्थर लगाने का काम था वो भी कम्प्लीट हो चुका है। इस पर रूफ टॉप का स्ट्रक्चर भी लगाया जा रहा है दोस्तों, और दोनों साइडों में एंट्री एग्जिट पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं दोस्तों। देख सकते हो ये फ्लोर वर्क किया जा रहा है, ऊपर का एंट्री एग्जिट पॉइंट का बनके बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। चलते हैं और आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को शताब्दी नगर आरआरटीएस का स्टेशन, जो कि बहुत ही विशाल स्टेशन है दोस्तों, सॉफ्ट ब्रिक्स मॉल के पास में पड़ता है दोस्तों। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस के पी संत लाता रहता है अपने चैनल पर, आप सभी को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। तो चलते हैं और दिखाते हैं चल के आप सभी को, एंजॉय करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। अब देखो दोस्तों, देखो ये है प्रतापपुर, सॉरी ये शताब्दी नगर आरआरटीएस का स्टेशन है। देखो बीच का ट्रैक तो बन चुका है, साइडों से देखो आप सभी को बता दूं कि इस पे मेरठ मेट्रो रुका करेगी, तो इसी वजह से ये साइडों में ट्रैक बनाए गए हैं दोस्तों। देख सकते हो इस पर फ्लोर वर्क हो चुका है, और देख सकते हो पेंट भी किया जा रहा है, कौन कौन से लेवल पर पेंट भी कर दिया जा चुका है। अभी आप लोगों को बता दूं कि प्लेटफॉर्म लेवल पर अभी रूफ टॉप का जो स्ट्रक्चर है वो लगाने का काम किया जाएगा, अभी नहीं किया जा रहा है दोस्तों। तो देखो दोनों साइडों में तो देखो एंट्री एग्जिट पॉइंट बन चुके हैं, देखो राइट हैंड का बन चुका है, लेफ्ट हैंड का बनाया जाएगा। इसका आप सभी को बता दूँ के फाउंडेशन बना के पिलर खड़े कर दिए हैं दोस्तों, बस यही काम चल रहा है। देखो आप लोग किस तरीके से यहाँ पर फ्लोर वर्क किया जा रहा है स्टेशन को, यानी कि लंबा किया जा रहा है, बड़ा किया जा रहा है। तो यही काम चल रहा है शताब्दी नगर आरआरटीएस के स्टेशन पर दोस्तों। और ये आप लोगों को बता दूँ कि सन 2024 के लास्ट में इस पर बिल्कुल पूरी तरीके से काम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा है दोस्तों, और उसके बाद में इस पर आरआरटीएस भी दौड़ने लग जाएगी और मेरठ मेट्रो भी दौड़ने लग जाएगी दोस्तों। आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा, और उस टाइम पर भाई साहब जो भीड़ होगी क्या ही बताऊं आपको। आप सभी को बता दूं कि पहले तो साहिबाबाद से दुहाई तक चलाई गई थी, तब भी मैं नहीं पहुंच पाया था, और अब ये दुहाई से लेकर और मेरठ नॉर्थ तक चलाई जा चुकी है दोस्तों। वहां पर भी मैं नहीं पहुंच पाया, लेकिन जब ये मेरठ में चलाई जाएगी दोस्तों, तब आप सभी को साहिबाबाद से लेकर और मेरठ तक का व्यू आप सभी को केपी संत के चैनल पर देखने के लिए मिलेगा कि कितने स्टेशन पड़ते हैं, कहां कहां रुकती है, कितनी स्पीड में चलती है, क्या क्या फैसिलिटी है, वो सब कुछ आप सभी को केपी संत के चैनल पर देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। तो आप लोग धैर्य रखो, जब तक आप लोग जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस पर रैपिड रेल का, वो आप देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों, क्योंकि जब इसका पूरी तरीके से इसका संचालन हो जाएगा तब मैं आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा, तब आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों कि इस पे किस तरीके से किस रफ्तार में चल रही है, क्या क्या फैसिलिटी दी गई है, वो सब कुछ आप सभी को आने वाले वीडियोस में देखेंगे जब ये मेरठ में
चलाई जाएगी दोस्तों, जब दौड़ने लगेगी मेरठ में, जब इसका मुहूर्त किया जाएगा तब आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों मेरठ मेट्रो का भी और RRTS का भी दोस्तों, सारे स्टेशन दिखाएंगे दोस्तों KP संत के चैनल पर दोस्तों। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ऐसे ही वीडियोस देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों। आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।